हमारा इसरो रॉकेट आदित्य एलवन ये सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है सूर्य की तरफ उड़ने के लिए और इसी के साथ में हमारे मार्केट में कुछ कंपनीज के शेयर्स हैं जो भारी तेजी दिखा रहे हैं और इनके शेयर के भाव ये लगातार ऊपर चले जा रहे हैं तो इसके पीछे का आखिर कारण क्या है ये हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे चंद्रयान थ्री की सक्सेसफुल मून लैंडिंग के बाद अगले दस दिनों में ही इसरो ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया है पर अभी ये दोनों रॉकेट तो उड़ चुके हैं फिर भी इन कंपनीज के शेयर्स क्यों भाग रहे हैं और क्या अभी हमें इनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए सब कुछ आपको एक लॉजिक के साथ बताऊंगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके रखिए और अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो करके रखिए तो चलिए दोस्तों डिस्क्लेमर पूरा पढ़ते हुए सीधे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर हमारी लिस्ट में सबसे पहला स्टॉक है एल लिमिटेड तो ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो प्राइमरीली इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में काम करती है और इसके अलावा ये कंपनी स्पेस टेक्नोलॉजीज के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है एल ने लूनार मिशन के ऑलमोस्ट एवरी सेगमेंट में पार्टिसिपेट किया है यानी चंद्रयान मिशन में एल का बहुत बड़ा रोल रहा है एंड सोलार मिशन में यानी आदित्य एलवन मिशन में भी एल ने क्रिटिकल स्पेस ग्रेड हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग uh, करी है सो so एल ये इसरो के साथ पिछले पचास वर्षों से काम कर रही है एंड ये लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक है लेकिन ये देखना हमें इंपॉर्टेंट है कि एल स्पेस टेक्नोलॉजीज के बिजनेस में कितना पैसा अर्न कर रही है तो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म टारगेट्स ये 3,100 के निकाले गए हैं बाय द ब्रोकरेज एजेंसीज सो इसे आप अपनी वॉचलिस्ट में रख सकते हो नेक्स्ट स्टॉक है हमारी लिस्ट में एमटीआर एमटीआर टेक्नोलॉजी तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है ऑफ वेरियस मशीन इक्विपमेंट्स एंड नॉन और इसके अलावा ये कंपनी स्पेयर पार्ट्स बनाती है फॉर द एनर्जी सेक्टर न्यूक्लियर स्पेस एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर एमटीआर टेक्नोलॉजीज ने चंद्रयान थ्री मिशन में स्पेयर पार्ट सप्लाई किए थे लाइक एंजिन बोस्टर पंप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एंड आदित्य एलवन मिशन में कंपनी ने विकास इंजिन एंड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोन्यूमेटिक मॉडल्स की सप्लाई करी थी सो so, एम ये कंपनी ये भी रिसेंटली इसका आईपीओ लिस्टिंग हुआ है बट ये एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगता है इन टू द स्पेस टेक्नोलॉजी हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है मिश्र धातु निगम लिमिटेड तो ये एक इंटरेस्टिंग ऐसा स्टॉक है जो कि मेटल सेक्टर से बिलोंग करता है एंड ये कंपनी के अंदर 74 परसेंट ऑफ शेयर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है सो so, मिश्र धातु निगम लिमिटेड ने चंद्रयान थ्री मिशन के अंदर Uh, जो स्पेशल मेटल्स होते हैं जैसे कि कोबाल टाइटेनियम अलॉयस एंड स्पेशल स्टील का सप्लाई किया था जो कि लॉन्च व्हीकल्स के अंदर यूज किए जाते हैं तो ये सारे जो मेटल्स होते हैं ये ये कंपनी सप्लाई करती है टू द इसरो इसके अलावा इन्होंने आदित्य एल-वन मिशन के लिए भी स्पेशलाइज मेटल्स एंड अलॉयस की सप्लाई करी थी सो so, मिश्र धातु निगम ये एक वन ऑफ द की कंटेंडर है इन द मेटल सप्लाई बिजनेस फॉर इसरो नेक्स्ट है यहाँ पर बी जिसने बैटरीज एंड बायोमेटेलिक अडेप्टर्स का सप्लाई किया था बी का स्टॉक प्राइस ये बहुत तेजी से भागा है चालीस रुपए से अभी ये स्टॉक एक सौ दस रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी भी काफी बुलिश लग रहा है एंड लास्ट पारस डिफेंस भी एक कंपनी है जो की स्पेस टेक्नोलॉजी के बिजनेस में काफी ज्यादा एक्टिव है एंड डिफेंस के अंदर भी ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है तो ये सारी कंपनीज है जिनके स्टॉक प्राइस में काफी अच्छी रैली हमें देखने मिली है तो अभी ये दोनों रॉकेट तो उड़ चुके हैं फिर भी लोग इन कंपनीज़ के अंदर क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता देता हूँ सो चंद्रयान थ्री एंड आदित्य सोलार मिशन की सक्सेस के बाद में जो ये ग्लोबल रॉकेट मार्केट है इसके अंदर इंडिया का जो आ, स्टेटस है ये काफी ज्यादा मजबूत होते हुए नजर आ रहा है इंडियंस ने अपनी जो एक्सपर्टीज है इनटू द स्पेस टेक्नोलॉजी इसे प्रूव कर दिया है और इसी वजह से इनके लिए काफी ज्यादा दरवाजे खुल सकते हैं इंटू द एक्सपोर्ट मार्केट इन कंपनीज को बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं फ्रॉम द फॉरन कंट्रीज और इनकी जो ग्रोथ है ये बहुत तेजी से एक्सपांड हो सकती है सो so, ये जो दो रॉकेट उड़ गए है ये एक उम्मीद की किरण लेकर आया है और ये एक नया एक्सपोर्ट मार्केट ओपन अप कर सकते हैं इनटू द स्पेस टेक्नोलॉजी अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहां पर 29 बिलियन डॉलर्स की अपॉर्चुनिटी ये इंडियंस के सामने खड़ी है और ये इतना बड़ा मार्केट देख लोग इन कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरिन स्पेस एजेंसीज यहाँ पर इंडियन कंपनीज को बड़े ऑर्डर दे सकती है क्योंकि इन्होंने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ पर प्रूव कर दी है और जो इंडियन स्टार्टअप्स है उन्हें फंडिंग मिल सकती है इनटू द स्पेस रिसर्च तो अपॉर्चुनिटीज इस सेक्टर के अंदर एंडलेस है और इंडिया की ग्रोथ ये निश्चित है और इसी वजह से ये जो कंपनीज इस बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है इनके शेयर प्राइस हमें ऊपर जाती हुई नजर आ रही है आशा करता हूँ ये वीडियो में से आपको कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा और बहुत सारे ऐसे जो लॉजिकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके आंसर हो गए होंगे वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे फॉलो करके रखिए here